हिंदुस्तान का एक अति प्राचीन शहर आगरा। इस शहर के इतिहास को देखा जाए तो इसका जिक्र महाभारत के जमाने में भी आया है। मथुरा नगर के पास उन दिनों अग्रवन के नाम का जंगल होता था, बस उसी के नाम पर आगे चलकर आगरा शहर बस गया। कहते हैं कि सन 1475 ईस्वी में आगरा की खोज बादल सिंह नामक एक शख्स ने की थी और बाद में सिकंदर लोदी ने उसी जगह को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद बाबर ने सिकंदर लोदी को हराकर आगरा पर कब्जा कर लिया और इसे एक मुकम्मल शक्ल दी। इसके बाद मुगलों ने इसी शहर से हिंदुस्तान पर राज किया। मुगल काल के दौरान ही इस शहर में आगरा का लाल किला, सीकरी का बुलंद दरवाजा, सिकंदरा का मकबरा और ताजमहल जैसी इमारतों का निर्माण कराया, जिन्होंने अपने स्थापत्य के बल पर दुनिया भर में धाक कायम की। जितनी अहमियत आगरा शहर की ऐतिहासिक और स्थापत्य कला दृष्टि से है, उतना ही महत्वमान ये शहर शिक्षा दीक्षा के लिए भी रहा। वैसे तो आज इस शहर में अनेक शिक्षण संस्थाएं हैं, परंतु जो मुकाम शिक्षा के क्षेत्र में आगरा कॉलेज ने हासिल किया, जो गौरवशाली इतिहास इस संस्था का रहा, वो अन्य किसी संस्था का नहीं। आगरा कॉलेज का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। ब्रिटिश सत्ता के अपनी जड़ें जमा लेने के बाद अपने निहित हितों, धार्मिक प्रचार और ज्ञान प्रसार का गौरव हासिल करने की चाहत में ब्रिटिशों ने नई तरह की शिक्षा की नींव हिंदुस्तान में रखी। ब्रितानी शासन से पहले हिंदुस्तान में शिक्षा का दायरा बहुत सीमित समुदाय तक फैला था और शिक्षा का स्वरूप पारंपरिक था। कुछ गिनी चुनी धार्मिक संस्थाओं और राजकीय संरक्षण गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा का संचालन किया जाता था। राजे रजवाड़े शिक्षा के लिए आर्थिक मदद किया करते थे। सन 1796 में ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया ने आगरा अलीगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार के रहने वाले पंडित गंगाधर शास्त्री को आगरा, चौमुहा और इगलास की 3 जागीरें दी थीं। सन 1813 में पंडित जी के निधन के बाद इन जागीरों के उत्तराधिकार को लेकर उनके वारिसों में विवाद खड़ा हो गया। मामला जब अलीगढ़ कलेक्टर के पास पहुंचा तो कंपनी सरकार के नुमाइंदे कलेक्टर ने निर्णय दिया कि जागीरें आम जनता की भलाई के लिए पंडित गंगाधर को दी गई थीं, इसलिए इनसे होने वाली कमाई का 1/4 पंडित गंगाधर के वारिसों को और 3/4 जनता की भलाई के काम में लगाया जाएगा। सन 1822 में बरतानवी सरकार ने नीतिगत रूप में हिंदुस्तान में कॉलेज खोले जाने की जरूरत को स्वीकार किया और इसी क्रम में सन 1823 में आगरा में आगरा कॉलेज नाम से इस शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा के प्राचीनतम संस्थानों में से एक आगरा कॉलेज के संचालन के लिए उन जागीरों से मिलने वाली आय, भरतपुर और ग्वालियर की रियासतों से मिलने वाली सहायता और शेष अनुदान सरकार द्वारा दिया जाने लगा और संचालन का उत्तरदायित्व पब्लिक इंटरेस्ट कमेटी फोर्ट विलियम कलकत्ता का रहा। सन 1823 में आगरा के तत्कालीन इंजीनियर जेटी बाइलू को आगरा कॉलेज की इमारत बनाने का काम सौंपा गया, जो सन 1829 में जाकर पूरा हुआ। उस समय इसके निर्माण पर 42,501 रुपए 15 आना और 5 पैसे का खर्चा आया था। शुरुआत से ही ये कॉलेज इस क्षेत्र के लोगों की शैक्षणिक आकांक्षाओं का केंद्र बन गया। सन 1826 में 117 विद्यार्थी थे, वहीं सन 1828 में 210 हो गए थे। आगरा कॉलेज के शुरुआत में ही ये प्रस्तावित कर दिया गया था कि वहां किसी धर्म विशेष की शिक्षा न देकर सभी धर्म के छात्रों को समान रूप से शिक्षित किया जाएगा। इसी नीति पर यहां संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई एक साथ आरंभ की गई। सन 1827 में तत्कालीन ज्वलंत विषयों भूगोल, खगोल, ज्योतिष और गणित की पढ़ाई आरंभ की गई। इस संस्था का पहला प्रिंसिपल होने का श्रेय आर.डी. डंकन को और पहला हेडमास्टर होने का श्रेय के विलियम को प्राप्त हुआ। संस्थान के स्वप्निल स्वरूप और शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप कॉलेज में आगरा कॉलेज प्रेस की स्थापना की गई। इसमें पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की छपाई भी की जाती थी
आगरा प्रांत के समस्त स्कूलों की पुस्तकें वहीं छपती थीं। एक बड़ा पुस्तकालय मुख्य भवन के बीचों बीच स्थापित किया गया था, जिसे देश विदेश की पुस्तकों से समृद्ध किया गया था। हिंदुस्तान के तीन बड़े संग्रहालयों में से एक आगरा कॉलेज में बनाया गया, जहां खोजों से प्राप्त भारतीय इतिहास और पुरातत्व संबंधी सामग्री को अध्ययन के लिए रखा जाता था। सन 1836 में आगरा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय बनाए जाने के बाद सन 1843 में आगरा कॉलेज के संचालन की जिम्मेदारी कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन आगरा को दे दी गई। सार्वजनिक निर्माण कार्यों के इंजीनियर तैयार करने के लिए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने के लिए सन 1843 में मिस्टर ट्रेगियर को आगरा कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बाद में रुड़की में इंजीनियरिंग के लिए स्वतंत्र कॉलेज खुलने के कारण ये विभाग बंद कर दिया गया था। विधि के अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में सन 1855 में शुरू किया प्रख्यात विधिवेत्ता हेमंड ने। आगरा कॉलेज में विधि के अध्ययन के लिए एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति हेमंड लॉ स्कॉलरशिप की सन 1855 में स्थापना की गई। इस मायने में आगरा कॉलेज विधि और इंजीनियरिंग के अध्ययन के क्षेत्र में हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन कॉलेज है। सन 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने आगरा कॉलेज को आग के हवाले कर दिया था। उसमें आगरा कॉलेज की मुख्य इमारत के सभी 12 कमरे, प्रेस और पुस्तकालय जल गए थे। अधिकतर प्रोफेसर सैन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करने चले गए और शेष शहर छोड़कर चले गए थे। मात्र कुछ हिंदुस्तानी मुंशियों के अथक प्रयासों से उनके घरों पर ही आगरा कॉलेज का तब तक संचालन हुआ जब तक कि सन 1860 में 16,000 रुपए की लागत से भवन का मरम्मतीकरण का कार्य संपन्न नहीं हो गया। इसके बाद ही कॉलेज को कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया और स्नातक परास्नातक की उपाधियां दी जाने लगी। अपने शैक्षणिक स्तर के कारण कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आगरा कॉलेज हमेशा सम्माननीय श्रेणी में रहा। आगरा कॉलेज को संपूर्ण आगरा प्रांत की स्कूल व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का गौरव हासिल है। स्कूलों के लिए आर्थिक संसाधन, पुस्तकादि पठन पाठन सामग्री और मुंशियों, मौलवियों, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व आगरा कॉलेज ने निभाया। सन 1857 के बाद देश की बागडोर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गई और अतिरिक्त आर्थिक बोझ को न उठाने की नीतियों के कारण सरकार ने सन 1881 में आगरा कॉलेज को बंद करने का निश्चय कर लिया और आगरा कॉलेज के संसाधनों को एंग्लो मोमडन कॉलेज अलीगढ़ को हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया। परंतु उस समय के राजघरानों और कुछ स्थानीय लोगों के प्रयासों से वो प्रक्रिया रुक गई। सन 1883 में इस संस्था को ग्रांट इन एड संस्था के रूप में बदलते हुए एक प्रभावी प्रबंधन के संचालन में रख दिया और इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज आगरा से बदलकर आगरा कॉलेज आगरा कर दिया गया। इस रूप में ये संस्थान तमाम ऊंचाइयों को छूने लगा। इसकी छवि विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख संस्था की बन गई। अनुसंधान के क्षेत्र में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन गया। उस समय यहाँ के प्रिंसिपल थे ए थॉम्सन, उसके पश्चात टीसी जोन्स, एफ जे फिल्डॉन एवं एच करोल जैसे प्राचार्यों की देखरेख में ये कॉलेज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा। सन 1924 में गौरवमय 100 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में कॉलेज को 3 भव्य भवनों का तोहफा मिला। एक मेस्टन हॉल जो वर्तमान में गंगाधर शास्त्री भवन के रूप में जाना जाता है, दूसरा मैरिस विंग जिसमें भौतिक विज्ञान विभाग संचालित है, और तीसरा क्लार्क हॉस्टल जिसे आजकल केडी हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। इनका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल ई इसाक द्वारा 26 जनवरी सन 1924 के दिन किया गया था। ये आजादी की लड़ाई का दौर था। पूरे देश में आजादी की लड़ाई जोरों पर थी। आगरा कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कॉलेज के छात्रावास क्रांतिकारी गतिविधियों और क्रांतिकारियों के आश्रय स्थल बन गए थे। इनमें से कई लोग गांधीवादी विचारधारा के समर्थक भी थे।
आगरा कॉलेज ने उत्तर भारत में स्वाधीनता की लड़ाई के लिए तमाम सिपाही पैदा किए। 15 अगस्त सन 1947 को मिली आजादी के समय इस कॉलेज के प्राचार्य थे जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक केसी मेहता। प्रोफेसर मेहता भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज के प्राचार्य बने। इनके बाद कॉलेज को डॉक्टर एन के सेठी, डॉक्टर एच एन सिन्हा, डॉक्टर एन रे, डॉक्टर शालिग्राम सिन्हा, डॉक्टर एस एन श्रीवास्तव, डॉक्टर आर पी वर्मा, डॉक्टर मुख्तार सिंह एवं डॉक्टर राजकुमारी जैसे शिक्षाविदों के प्राचार्य बनने का गौरव मिला, जिनके नेतृत्व में कॉलेज दिन प्रतिदिन तरक्की करता चला गया। आजादी के बाद सन 1951 के पहले दीक्षांत समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गरिमामय उपस्थिति हुई। विश्वविद्यालयी व्यवस्था आने के बाद से आरंभ में ये कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और उसके बाद से अब तक आगरा विश्वविद्यालय, जिसे वर्तमान में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहा जाता है, से संबद्ध रहा है। आगरा कॉलेज के लिए ये गौरव की बात है कि इसे उत्तर भारत की प्रथम स्नातक और विधि स्नातक पैदा करने का श्रेय हासिल है। वर्तमान में आगरा कॉलेज प्रशासन, संकाय सदस्यों और संसाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध संस्थान है। वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर मनोज रावत एक अच्छे रसायनवेत्ता, एक कुशल प्रशासक, एक गतिशील और ऊर्जावान व्यक्तित्व वाले हैं। ये सन 2009 में नियुक्त होने के बाद से निरंतर कॉलेज के विकास में लगे हुए हैं। वर्ष 1823 में संस्कृत पाठशाला से आगरा कॉलेज का सफर शुरू हुआ, निरंतरता बनी रही, उर्दू फारसी के कोर्स चले, इसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज चला, तत्पश्चात विज्ञान वर्ग और कला वर्ग की स्थापना हुई, 1860 में विधि की स्थापना हुई। इन सब विषयों में यहाँ का स्टाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। विश्वविद्यालयों की स्थापना जब शुरू हुई तब यहाँ के स्टाफ टीचर्स ही विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए एक्सपर्ट के रूप में बुलाए जाते थे, ऐसा इसका पूर्व इतिहास रहा है। नए भवनों का निर्माण, नए कोर्सों की शुरुआत, कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, प्रभावी अकादमिक माहौल और अनुशासन आदि वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर रावत ने बेहतर ढंग से लागू किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति माननीय कलाम साहब के विजन के अनुरूप 2020 विजन लेके हम भी चल रहे हैं। हमारा विजन 2023 है, जब ये कॉलेज 200 वर्ष पूर्ण करेगा। हमारी ये कोशिश होगी कि 200 वर्ष पूर्ण होने पर इस कॉलेज को काफ़ी हाईटेक कर दिया जाए, नए कोर्सेज इसमें लाए जाएं, जिसमें विधि से संबंधित, जैविकी से संबंधित, नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित व अन्य जो एडवांस टेक्नोलॉजीज के सब्जेक्ट्स हैं, जो आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू हुए हैं, उन सब की शुरुआत यहाँ पर हो, जिससे कि आगरा के अंदर यहीं पर रह करके यहाँ के स्टूडेंट्स को, आसपास के क्षेत्र के स्टूडेंट्स को लाभ मिले, उनको दिल्ली या NCR में जाने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा आगरा कॉलेज का विजन है। उम्मीद करते हैं सबके प्रयास से हम सफल होंगे। वर्तमान में कॉलेज में 23 विभाग हैं, जिनमें स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन और शोध कार्य कराया जाता है। वैसे तो ये विषय इस कॉलेज में सन 1923 में पढ़ाया जाने लगा था, परंतु स्वतंत्र स्नातक विभाग के रूप में इसकी शुरुआत हिंदी आंदोलन के दबाव में सन 1929 में की गई। ये विभाग संकाय और संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध विभाग है। इस विभाग ने तमाम ऐसे साहित्यकारों और अकादमिक व्यक्तियों को पैदा किया जो देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत रहे हैं। हिंदी विभाग अनवरत राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करता रहता है। हिंदी विभाग आगरा कॉलेज के उन प्रतिष्ठित विभागों में से एक है जो कॉलेज की स्थापना वर्ष से ही प्रारंभ हो गया था। यहाँ अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त शोध कार्य भी प्रारंभ से चल रहा है, जिसमें परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नवीन विषयों पर भी निरंतर शोध कार्य चल रहा है। कॉलेज में सन 1933 से एक विषय के रूप में पढ़ाए जा रहे अंग्रेजी विषय को
सन 1857 में स्वतंत्र विषय का दर्जा देकर इसके स्नातक विभाग की स्थापना की गई थी। आगरा कॉलेज का ये विभाग ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अंग्रेजी के विद्वानों ने इस विभाग को शोभायमान किया है। वर्तमान में संकाय सदस्यों और संसाधनों की दृष्टि से ये बड़ा समृद्ध विभाग है। It's a pleasure to introduce the Department of English Studies and Research, Agra College, Agra. Following on the footsteps of profound scholars and worthy teachers, the members of the department have consistently contributed to making this department grow and develop in terms of research, in terms of teaching, in terms of publications, in terms of the invitations that faculty members keep on receiving from various parts of the country. The department members can vie with some of the best departments in the country. आगरा कॉलेज में संस्कृत का अध्यापन आरंभ में सन 1823 में ही शुरू हो गया था। बहुत दिनों तक हिंदी और संस्कृत को इस एक ही विभाग के अंतर्गत चलाया जाता था। बाद में स्वतंत्र हिंदी विभाग की स्थापना हो गई। इस विभाग में देश के तमाम जाने माने संस्कृताचार्यों ने अध्यापन किया। स्वयं गंगाधर शास्त्री संस्कृतज्ञ थे, ज्योतिष के आचार्य थे, तांत्रिक थे, और उनके सपनों का ही ये आज परिणाम है जो हमारा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का आगरा कॉलेज स्थापित है, जिसकी उत्तर प्रदेश में मान्यता है। हमारे यहाँ एमए प्रीवियस में 35 छात्र हैं, एमए फाइनल में 29 छात्र हैं। स्नातक स्तर पर इतिहास विभाग की स्थापना सन 1857 में हुई। इस विभाग में देश के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने अध्ययन अध्यापन किया। आगरा कॉलेज में इतिहास विभाग एक गौरवशाली विभाग है, जिसमें विश्वविख्यात डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद, वाई प्रसाद, डॉक्टर प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर। अर्थशास्त्र विषय को भी सन 1857 में स्वतंत्र स्नातक विभाग का दर्जा मिला था। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है, 1939 में स्टैब्लिश हुआ था। इनिशियली ये डिग्री का डिपार्टमेंट था, डिग्रीज की क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर ये पीजी 1940s में पीजी हुआ, और बड़े रिनाउंड यहाँ पर इकोनॉमिस्ट रहे कई हमारे डिपार्टमेंट में। डॉक्टर रघुराज सिंह यहाँ पर थे, डॉक्टर एमएल सेठ यहाँ पर थे, डॉक्टर टीटी सेठी यहाँ पर थे, जिनका कि पूरे ऑल ओवर इंडिया उनकी बुक्स जो हैं स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, रेफ़र करते हैं, और आज भी उनकी बुक्स बहुत पॉपुलर हैं। तो बड़ा एक पॉपुलर डिपार्टमेंट है हमारा। वनस्पति विज्ञान के स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना यहाँ सन 1860 में की गई थी। इस विभाग में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डिग्री प्राप्त की जाती थी, और इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर केसी मेहता रहे, जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। इसके कारण उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डीएससी की उपाधि प्राप्त हुई, और इस समय इस विभाग में तीन क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। एक पादप रोग विज्ञान विभाग, पादप कार्यकी एवं माइक्रोबायोलॉजी, और इस तरीके से इस विभाग के 750 स्टूडेंट्स अब तक पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं, और वो विभिन्न भारत के और अन्य देशों में विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थियों को वनस्पति विज्ञान की बारीकियां समझाने के लिए इस विभाग की अत्याधुनिक उपकरणों से लैस अपनी 5 प्रयोगशालाएं हैं। वनस्पति विज्ञान की ही तरह सन 1860 में ही जंतु विज्ञान के स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना भी आगरा कॉलेज में की गई थी। हमें गर्व है कि ये डिपार्टमेंट इतने पुराने टाइम से चल रहा है, जिसमें बॉटनी भी शामिल था, बायोसाइंस के रूप में काम करता था, और हमारे पास एक जबरदस्त ट्रेजर हाउस है, एनिमल्स का कलेक्शन है, जो बड़े 100 साल के पीरियड से यहाँ पर कलेक्शन है। पीछे आप लोग देखेंगे म्यूजियम में, तो इतना बड़ा म्यूजियम शायद आपको इंडिया में दूसरी जगह नहीं मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा प्लेजर ये भी है
कि इस डिपार्टमेंट में तीन एमएससी लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर तीन स्पेशलाइजेशन है, एंटोमोलॉजी, फिशरी, और तीसरा डिपार्टमेंट रेप्टाइल था जिसको हमने स्वयं, मैंने पर्सनल एफर्ट्स से इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के रूप में चेंज कराया है। ये डिपार्टमेंट आज इंडिया फेम के FRI जैसे संस्थाओं को स्टूडेंट प्रोवाइड करता है जो वहाँ PhD करने जा सकते हैं। आगरा कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग की सबसे खास बात है इसका म्यूजियम, जहाँ इस विषय के गहन अध्ययन के लिए अति दुर्लभ प्राणियों के अवशेषों का संग्रह किया गया है। इस विभाग के अंतर्गत फिशरी साइंस के नाम से कुछ समय पहले ही यहाँ एक और विभाग की स्थापना की गई है, जहाँ विद्यार्थियों को मछलियों से संबंधित शिक्षा दी जाती है। सन 1860 में ही आगरा कॉलेज में कानूनी शिक्षा देने के इरादे से लॉ कॉलेज की शुरुआत की गई और इसके स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना भी की गई। विधि विभाग में हम स्नातक स्तर पर LLB और स्नातकोत्तर स्तर पर LLM की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ 1998 से पंचवर्षीय BA LLB का पाठ्यक्रम भी जारी किया जा रहा है। यहाँ हमारे यहाँ पर उच्च स्तर का शोध कार्य भी किया जाता है। विद्यालय से जो छात्र है वो जुडिशरी में विभिन्न पदों पर सुशोभित होते रहते हैं। जब भी सिलेक्शन होते हैं तो कम से कम 20 या 25 विद्यार्थी मुंशी परीक्षा में, हायर जुडिशरी सर्विसेज में सेलेक्ट होते रहते हैं। इस विभाग में विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए एक विशाल कोर्ट रूम भी यहाँ बनाया गया है, जहाँ छात्रों को मुकदमे के दौरान आने वाली मुश्किलों से अवगत कराया जाता है और अपने मुवक्किल की पैरवी करना सिखाया जाता है। रसायन विज्ञान विभाग की स्थापना सन 1877 में हुई। ये संसाधनों की दृष्टि से आगरा कॉलेज का बहुत ही समृद्ध विभाग है। उत्तर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से अधिक समृद्ध नवीनतम उपकरणों से लैस स्नातक और परास्नातक प्रयोगशालाएं तथा शोध प्रयोगशालाएं इस महाविद्यालय में हैं। आरंभ से ही ये विभाग रसायनों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज देता रहा है। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना जैसे विभिन्न धातु की चूड़ियों पर सोने की परत चढ़ाने की रासायनिक तकनीक इसी विभाग की खोज है। इस विभाग के पुस्तकालय में रसायन विज्ञान के दुर्लभ ग्रंथों से लेकर नवीनतम पुस्तकों व जर्नलों का बेहतर संकलन है। आगरा कॉलेज के इस गौरवमयी विभाग का शुभारंभ 1877 में हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कर दिया गया। प्रोफेसर PC राय इसके प्रथम विभागाध्यक्ष बने। इसके बाद H Kroll विभागाध्यक्ष बने। डॉक्टर PC राय का देश की इंडस्ट्रीज में बड़ा योगदान था। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की इंडस्ट्री उन्होंने ही लगाई। विभाग से निकले हुए कई छात्र कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रहे। प्रोफेसर WV मलिक 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर GC सक्सेना 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। और कई अन्य स्थानों पर हमारे छात्र उच्च पदों पर मौजूद हैं। उसी वर्ष यानी कि सन 1877 में ही भौतिक विज्ञान के स्वतंत्र स्नातक विभाग की भी स्थापना की गई। इस विषय के विद्यार्थियों के लिए भी नवीनतम तकनीक और उपकरणों से सुसज्जित 5 प्रयोगशालाएं यहां उपलब्ध हैं। कॉलेज के भौतिक विभाग में 2 ऐसी महान हस्तियां रही हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल शोध कार्य किया है, जिनमें डॉक्टर SK मुखर्जी थे जो हमारे विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, और उन्होंने मिल्कंस ड्रॉप पर RA एंडरसन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे उनके साथ में रिसर्च वर्क किया था, जिन्होंने मिल्कंस ड्रॉप पर इंटरनेशनल काम किया जो हमारे विभाग में आज भी उस पर जो शोध कार्य होता है। दूसरे हमारे यहाँ पर डॉक्टर A मुखर्जी थे जिन्होंने क्रिस्टल मैग्नेटिज्म पर बहुत बड़ा शोध कार्य किया, नेशनल कार्य किया था, इंटरनेशनल कार्य किया था, जिन्होंने हैवी मैग्नेटिज्म पर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी फाइंड की थी। विज्ञान से जुड़ा हुआ ही एक और विषय है गणित।
कॉलेज के आरंभिक स्वरूप में हिसाब के रूप में गणित पढ़ाया जाता था, फिर स्नातक के विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा और उसके बाद सन 1877 में इसके स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना कर दी गई। आगरा कॉलेज का गणित विभाग कॉलेज के प्राचीनतम विभागों में से एक है। हमारे विभाग से डॉक्टर एम रे जैसे विश्वविख्यात गणितज्ञ पैदा हुए, जिनकी ख्याति काफ़ी दूर दूर तक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो एक माइलस्टोन की तरह है। आज भी उसी पैटर्न पर काम चल रहा है। इसके अलावा यहाँ से पास किए हुए स्टूडेंट डिफरेंट IITs में हेड के पद पर रहे हैं, जैसे डॉक्टर एम पी सिंह दिल्ली IIT के हेड थे, डॉक्टर एस जी निगम मद्रास IIT के हेड रहे हैं, और बॉम्बे IIT में डॉक्टर परिहार साहब, वो भी आगरा कॉलेज के ही स्टूडेंट रहे थे। इस विषय का अध्ययन आगरा कॉलेज में सन 1829 से प्रारंभ हो गया था, परंतु इसके स्वतंत्र विभाग की स्थापना सन 1889 में की गई। हर्ष का विषय है कि मैं उस विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ जो आगरा कॉलेज की स्थापना के समय से था। और दूसरी विशेष बात यह है कि ये दर्शन शास्त्र, जो कि आज हिंदुस्तान में कम जगह पढ़ाया जा रहा है, यहाँ आज भी स्नातक और शोध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है, और अनेक विद्वान इस विभाग से निकले जिन्होंने फिलॉसफी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, साथ साथ इस महाविद्यालय का नाम भी ऊँचा किया। उनमें डॉक्टर आर पी वर्मा, प्रोफेसर बम्मानी, ए के चटर्जी, डॉक्टर वेद प्रकाश आदि आदि रहे हैं। हमारे मुल्क की आज़ादी वाले साल ही यानी कि सन 1947 में अपने आज़ाद भारत की सेना में जवानों की मांग को देखते हुए आगरा कॉलेज में सैन्य विज्ञान की शुरुआत की गई और इस विषय को स्वतंत्र स्नातक विभाग का दर्जा देकर इस विभाग की यहाँ स्थापना की गई। वर्तमान में जो सब्जेक्ट सैन्य विज्ञान था, आज रक्षा अध्ययन के रूप में जाना जाता है, और इसमें मुख्य रूप से जो छात्रों को बताया जाता है उसमें विशेष रूप से मिलिट्री हिस्ट्री है, सैन्य इतिहास, जिसमें कि कैसे लड़ाइयों की शुरुआत हुई, चाहे वह पाषाण युग से लेकर वर्तमान तक जितने भी वार या कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनकी समीक्षा इस विषय के द्वारा की जाती है और बच्चों को बताया जाता है कि हम कैसे पाषाण युग में थे, कैसे उस समय की वार का नेचर था, और वर्तमान में मॉडर्न एज में कैसे इसका स्वरूप काफ़ी बदलाव आया है, कैसे चेंजेस हुए हैं, वो सारी जानकारी, चाहे वह एयरफोर्स की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो या नेवी की बात हो, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं, यहाँ तक कि IS विक्रांत जैसे जलावतरण हुआ, अभी जस्ट हमारी नेवी में ज्वाइन किया है पनडुब्बी, काफ़ी विकसित पनडुब्बी हमारी सबमरीन है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम अपने छात्रों को देते हैं। देश की आज़ादी के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव हुए, लोगों की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी। लोगों की इसी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए सन 1960 में इस कॉलेज में राजनीति के स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना की गई। इसमें तीन तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, UG, PG और रिसर्च, और इस विभाग ने रिसर्च के फील्ड में, इंटरनेशनल सेमिनार के फील्ड में और विभिन्न लोक सेवाओं के फील्ड में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिमिलरली श्री राम महेश्वरी जी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे, KP सक्सेना जी, SN दुबे जी, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, वर्तमान में इस कॉलेज में एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी अपनी लाइब्रेरी भी है। आगरा क्षेत्र के लोगों की कला के प्रति रुचि को देखते हुए सन 1960 में इस कॉलेज में ड्रॉइंग एंड पेंटिंग विषय की शिक्षा आरंभ हुई थी और इसके स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना कर दी गई थी। चित्रकला विभाग के पहले विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर RP शुक्ला जी थे। आप शांति निकेतन से यहाँ आए थे। यहाँ पर आकर आपने शांति निकेतन की वॉश तकनीक की परंपरा को आगे बढ़ाया। इस विभाग में केवल चित्रकला का ज्ञान ही नहीं दिया जाता, ये विभाग शोध के क्षेत्र में भी काम करता है। यहाँ पर अभी तक लगभग 60 शोधार्थियों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। और उसके बाद सन 1962 में इस महाविद्यालय में सांख्यिकी के स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना की गई।
सांख्यिकी विभाग में अनेक विद्वान शिक्षक रहे हैं, डॉक्टर एस एस चौधरी, डॉक्टर आशीष चिकारा, डॉक्टर वी वी मुदगल, डॉक्टर मधु गुप्ता। सांख्यिकी से अनेक छात्र हर वर्ष विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, जिसमें भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा एवं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी लड़कों का चयन होता है। सन 1964 में यहां शुरू हुई मनोविज्ञान की पढ़ाई और उसी समय इसे स्नातक का दर्जा देकर इसके स्वतंत्र विभाग की स्थापना कर दी गई थी। हमारा मनोविज्ञान विभाग आरंभ हुआ 1957 में, जब ये केवल फिलोसॉफी के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ बीए की लेवल पर था, सब्जेक्ट बीए लेवल पर ही था। 1964 में ये एक उन्मुक्त, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना और यहाँ मनोविज्ञान भी एमए लेवल पर पढ़ाया जाने लगा। अनंत प्रसाद, एक इंडियन अमेरिकन, यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया पहले विभाग अध्यक्ष के रूप में। इस विभाग के बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलाइज करते हैं, विशिष्टता है उन लोगों की, निर्देशन और परामर्शन, नैदानिक मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी संगठनात्मक व्यवहार, ये सारे विषय यहाँ पर सुचारू रूप से पढ़ाए जाते हैं। समाज शास्त्र की पढ़ाई इस कॉलेज में सन 1965 में आरंभ हुई थी और इस विषय को भी स्नातक का दर्जा देकर इसके स्वतंत्र विभाग की स्थापना कर दी गई थी। समाजशास्त्र विभाग में स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित होता है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 2 प्रश्न पत्र तथा तृतीय वर्ष में 3 प्रश्न पत्र समाहित हैं। वर्तमान समय में समाजशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों की संख्या 1500 से अधिक है। संगीत के स्वतंत्र स्नातक विभाग की स्थापना सन 1965 में की गई थी। हमारे विभाग की छात्राएं कंपटीशन में भाग भी लेती हैं, जो अच्छी छात्राएं होती हैं, करीब करीब सब अच्छी छात्राएं होती, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर बहुत अच्छे, सब टीवी आर्टिस्ट हैं। आज इस विभाग में गायन के अलावा विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। वैसे तो यंत्र विज्ञान की शुरुआत 1843 में हो गई थी, परंतु किन्हीं कारणों से इसे बीच में ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद सन 1998 में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संकाय के रूप में इसकी फिर से शुरुआत हुई। इसके साथ ही यहाँ सूचना की तकनीक की पढ़ाई भी उसी समय शुरू की गई। इन दोनों ही विषयों के लिए मुख्य भवन से अलग एक इमारत का निर्माण करवाया गया था। यहाँ बच्चों को सूचना की तकनीक का भली भांति प्रशिक्षण देने के लिए एक विशाल कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जो आधुनिकतम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से सुसज्जित है। कॉलेज का ये विभाग संसाधनों की दृष्टि से उत्तर भारत के किसी भी तकनीकी संस्थान से कम नहीं है। यहाँ से छात्रों को सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके बेहतर प्लेसमेंट की संभावनाएं मिलती हैं। वाणिज्य विभाग की शुरुआत सन 2011 में स्नातक विषय के रूप में की गई और इसके स्वतंत्र विभाग की स्थापना भी की गई। आगरा कॉलेज के स्वर्णिम इतिहास में एक और अध्याय जोड़ा, जब 2011 में हमारे नए प्राचार्य ने वाणिज्य विभाग प्रारंभ किया। आज के युग में वाणिज्य का बहुत अधिक महत्व है तथा विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए यह प्रारंभ किया गया है विभाग। आने वाले समय में इसको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की तरह से विकसित किया जाएगा तथा अन्य रोजगार परक डिप्लोमा कोर्सेज इसमें प्रारंभ किए जाने की योजना है। और करीब 2 साल पहले
इस कॉलेज में शुरुआत हुई जैविक प्रौद्योगिकी विषय की। बाकी विभागों की तरह इसे भी स्नातक के स्वतंत्र विभाग का दर्जा देकर इसकी स्थापना कर दी गई। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस ब्रांच है जिसका मेडिसिन, एग्रीकल्चर, डेयरी साइंस, फर्टिलाइजर्स आदि में विशेष योगदान है। वर्तमान में विभाग में स्नातक स्तर पर कक्षाएं संचालित हैं तथा निकट भविष्य में इसमें स्नातकोत्तर कक्षाएं भी चलाने की योजना है। विभाग में वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी है तथा 6 शिक्षक शिक्षिकाएं वर्तमान में कार्यरत हैं। जन संचार माध्यम और पत्रकारिता विभाग की शुरुआत यहां सन 2012 में हुई। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूर्ण जानकारी छात्रों को देने के लिए इस विभाग का अपना एक वेल इक्विप्ड स्टूडियो है जहां छात्र छात्राएं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। एकमात्र ऐसा विभाग है जो आसपास के पत्रकारिता संस्थानों में मल्टीमीडिया लैब रखता है। ऐसी लैब जहां पर हम छात्रों को एंकरिंग करने के लिए, उनको डिस्कशन करने के लिए, कैमरे का सामना करने के लिए, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो उपयोगिता है उसके अनुसार ढालते हैं ताकि आने वाले समय में उत्तर भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति ये संस्थान आसानी से कर सके। इस कॉलेज में ज्ञान अर्जित कर रहे विद्यार्थियों के मन में अपने राष्ट्र व समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के बारे में उन्हें जागृत करने के इरादे से यहाँ NSS जैसी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। आगरा कॉलेज आगरा में राष्ट्रीय सेवा योजना की 5 इकाइयाँ हैं। इन 5 इकाइयों में विभिन्न कार्यक्रम 5 कुशल कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में वर्ष भर आयोजित किए जाते हैं जिनकी सामाजिक उपयोगिता होती है और जो समाज विकास से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मतदान, स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण और एक हमने अभियान चलाया था पिछले वर्ष जागो मतदाता अभियान। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं में अपने देश व समाज की सुरक्षा के प्रति उनकी भावना को बनाए रखने के लिए यहाँ NCC का संचालन भी किया जाता है। वर्तमान में NCC की 3 विंग आगरा कॉलेज में है, जिसमें आर्मी, एयर और महिला विंग है। आगरा कॉलेज में लगभग 35 वर्षों तक सेवा देने के उपरांत NCC में मेजर RK सिंह को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऑनरेरी मेजर की उपाधि दी गई है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस आगरा महाविद्यालय में जितने भी विषयों के विभाग हैं उनके अपने अपने पुस्तकालय तो हैं ही, इसके साथ साथ यहाँ एक प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकालय भी है जहाँ बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध लेखकों की किताबें संग्रहित हैं। और ये है इस कॉलेज का केंद्रीय पुस्तकालय यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी। इस पुस्तकालय में अद्यतन पुस्तकों के साथ साथ प्राचीन पुस्तकों का बड़ा संकलन है। 4 बड़े बड़े हॉलों में विभिन्न विषयों की पुस्तकें संकलित हैं जिनकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी और संस्कृत हैं। इसमें 1,70,000 पुस्तकें हैं। दुनिया भर के 57 देशों के इतिहास की पूरी श्रृंखला, भारत के राष्ट्रीय एटलस के आरंभिक संस्करण, कला की दुर्लभ पुस्तकें, शाहनामे फिरदौसी, अकबरनामा, दीवाने हाफिज जैसी प्राचीन पुस्तकें हैं और 500 वर्ष से पुरानी अनेकों पांडुलिपियां हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक दीर्घ बुक बैंक भी यहां मौजूद है। पूरा पुस्तकालय कंप्यूटरीकृत है। छात्रों के लिए दीर्घाकार अध्ययन कक्ष और शोधार्थियों के लिए कैबिन बने हुए हैं। आगरा कॉलेज में उच्च कोटि की आवास व्यवस्थाओं से लैस 6 छात्रावास पुरुषों के लिए बने हुए हैं। शहीद भगत सिंह छात्रावास, थॉमसन छात्रावास, सर तेज बहादुर सप्रू छात्रावास, BN छात्रावास, केशव देव छात्रावास और चंद्रशेखर आजाद छात्रावास। साथ ही एक छात्रावास महिलाओं के लिए है, रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास। ये सभी छात्रावास कॉलेज परिसर के अंदर ही स्थित हैं। इन सभी छात्रावासों में
वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा दी गई है। इनमें छात्र छात्राओं के लिए उच्च कोटि की भोजनालय, कॉमन रूम, खेल कूद और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। छात्रावासों के अंदर इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेलों की अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने की आधुनिकतम सुविधाएं कॉलेज में हैं। एक विशाल क्रीड़ा स्थल पर सभी खेलों के लिए अलग अलग कोर्ट बनाए गए हैं। टर्फ विकेट से लैस एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, एक सुव्यवस्थित हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम और तमाम नई सुविधाएं आगरा कॉलेज क्रीड़ा स्थल पर मौजूद हैं। हम सब मिलकर यहां पर बच्चों को डिफरेंट गेम्स की ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद बच्चों का सिलेक्शन चयन करके यहां इंटरवर्सिटी, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी बच्चे खेलने जाते हैं। आगरा कॉलेज का जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, हमारे बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आगे तक नाम कमाया है, जिस पे हमारा कॉलेज और हम लोग भी गर्व करते हैं। उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों के निर्देशन में तैयार टीमें विभिन्न खेलों में राज्य स्तर पर कॉलेज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें से तमाम खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हैं। आगरा कॉलेज का कैंपस 36 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस कैंपस को बनाते समय छात्रों और शिक्षकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े हवा व धूप से भरपूर क्लासरूम बनाए गए हैं। सभी प्रमुख भवनों से जुड़े बड़े बड़े और सुंदर रूप से सजे हुए लॉन हैं, जिनका भरपूर लाभ विभिन्न गतिविधियों के लिए छात्रों को मिलता है। सभी प्रमुख विभागों के पास अपने अपने कॉन्फ्रेंस रूम हैं। इसके अलावा बॉटनी थिएटर, जूलॉजी थिएटर और केमिस्ट्री थिएटर आदि भी हैं। साथ ही कॉलेज में दो भव्य हॉल हैं, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप किए जाते हैं। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरा की देखरेख में बेहद सुरक्षित है। स्नातक स्तर तक महिलाओं के अध्ययन के लिए सभी सुविधाओं से युक्त अलग विंग बनी हुई है। उनके लिए अलग से कॉमन रूम और कैंटीन की सुविधाएं महिला विंग में की गई हैं। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए पूरे कैंपस को वाईफाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। कैंपस में कहीं भी बैठकर छात्र छात्राएं और शिक्षक अपने लैपटॉप, टैबलेट आदि के जरिए इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। इतने बड़े कैंपस का अनुशासन, सुरक्षा और देखरेख एक चुनौती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राचार्य निवास को कैंपस के अंदर बनाया गया है। सभी छात्रावासों में छात्रावास वार्डनों के घर बनाए गए हैं। बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में प्रानुशासकों की देखरेख में बेहद अनुशासित और सुरक्षित रूप में छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और कैंपस में रहते हैं। कॉलेज के धूप घड़ी पार्क में एक ऐतिहासिक धूप घड़ी लगी है। विद्यार्थियों के लिए समय बताने के यंत्र के अलावा वो इस कॉलेज के अच्छे बुरे समय की सबसे बड़ी गवाह है, जिसका सामना करते हुए ये कॉलेज यहाँ पहुँचा है। आगरा कॉलेज में विभिन्न स्ट्रीम्स में लगभग 15,000 छात्र छात्राएं जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव के परे शिक्षा ग्रहण करते हैं और अच्छी संख्या में शोधार्थी गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान संपन्न करते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए 250 से अधिक संकाय सदस्य, 100 से अधिक तकनीकी स्टाफ और 160 शिक्षणेत्र कर्मचारी इस कॉलेज में कार्यरत हैं। इस संस्था में हर प्रतिभाशाली को समान रूप से अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर और प्रोत्साहन दिया जाता है। इस संस्था ने अब तक कितने ही साहित्यकार, कलाकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, एकेडमिशियन, राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और विधिवेत्ता देश व समाज को दिए हैं। इन सभी का जिक्र करना तो यहाँ बड़ा मुश्किल है, पर कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ प्रस्तुत हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने यहाँ से 1923 में बीएससी, 1925 में एमए
और 1926 में LLB पास की थी। डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी कुंजरू, सर तेज बहादुर सप्रू, राय बहादुर सालिग्राम, डॉक्टर KC मेहता जो बाद में इसी कॉलेज में प्रोफेसर बने, जाने माने उपन्यासकार और साहित्यकार वृंदावन लाल वर्मा जी ने भी इसी कॉलेज से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की थी। हिंदी के मशहूर लेखक बाबू गुलाब राय, जाने माने साहित्यकार राजेंद्र यादव, श्री भगवान शंकर रावत जो आगरा के प्रमुख अधिवक्ता एवं राजनीतिज्ञ रहे और सन 1991 से 1999 तक 3 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे, और विख्यात कवि सोम ठाकुर। मेरा संबंध आगरा कॉलेज से 1951 से रहा। मैं यहाँ उन दिनों इंटरमीडिएट क्लासेस भी लगती थी, तो मैंने फर्स्ट ईयर में यहाँ एडमिशन लिया था और उसके बाद में MA भी यहीं से पास किया। मैंने MA 59 में किया था और फिर मुझे आगरा कॉलेज में ही जगह मिल गई। लेकिन आगरा कॉलेज बड़ा गौरवशाली इतिहास का कॉलेज था। पुराने ज़माने में यहाँ बड़े ऐसे ऐसे प्रोफेसर हुए जो यूनिवर्सिटी में जाना पसंद नहीं करते थे, उनको ऑफ़र भी मिलते थे तो मना कर देते, हमारे लिए आगरा कॉलेज बहुत अच्छा है। और यहाँ पर शुरू में आगरा से ही कवि सम्मेलन आगरा कॉलेज से ही शुरू हुए। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, सौ सौ नमन करूं मैं भैया सौ सौ नमन करूं। मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि आगरा कॉलेज ने अपने 190 साल पूरे किए हैं और समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पण के साथ शिक्षा दीक्षा दी है। आने वाली 10 वर्षों में इसके दूसरे साल पूरे होंगे और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सेवा करने का अवसर इस देश के अंदर बहुत कम शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी 1954 से 1960 तक रहा हूँ और निसंकोच ये कह सकता हूँ कि इस महाविद्यालय में जो शिक्षा मुझे मिली और जिस प्रकार के शिक्षकों ने मेरा मार्गदर्शन किया और शिक्षा दी, वही जीवन में सबसे अधिक मेरे काम आया है। ये बहुत एक गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं इस कॉलेज की पहले विद्यार्थी रही। 1957 में मैंने इंटरमीडिएट से शुरू करी यहाँ की विद्या अर्जन, और इसके बाद मैंने यहाँ से MSc करा, फिर PhD करी। यहीं पर मैं लेक्चरर हो गई, और लेक्चरर होने के बाद शायद आगरा कॉलेज में ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्होंने हर पद पर काम किया हुआ। मैं आगरा कॉलेज का भूतपूर्व छात्र रहा हूँ। 80 के दशक में मैंने यहाँ से MA किया और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य के नेतृत्व में नए नए कोर्स जैसे BCom है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और मेरा अपना कोर्स पत्रकारिता शुरू हो चुका है। जब यहाँ पर पत्रकारिता के लिए संसाधन जुटाए जा रहे थे तो मुझे कुछ संशय था कि ये काम हो पाएगा कि नहीं, लेकिन बहुत खुशी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ भारत की बहुत अच्छी लैब मीडिया छात्रों के लिए है और आने वाले समय में यहाँ से मीडिया के अच्छे से अच्छे छात्र निकलेंगे। 1823 में स्थापित आगरा कॉलेज से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे बाबा के बाबा मैथमेटिक्स के टीचर 1823 में थे यहाँ पर। उसके बाद सन 72 में मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। मैं आगरा कॉलेज छात्र संघ का महासचिव था और उस समय जो डिबेट और ड्रामे एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट किया करते थे, उसी कॉलेज की शिक्षा का नतीजा है कि आज सन 87 से लेकर आज तक मैं उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य विधिक परिषद का लगातार सदस्य निर्वाचित हो रहा हूँ और अधिवक्ताओं के फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये आगरा कॉलेज की बदौलत है। बेहतरीन संकाय सदस्य, प्रभावी प्रानुशासक दल, उत्तम प्लेसमेंट सुविधाएं, प्रशासकीय पारदर्शिता, नवीनतम संसाधनों से युक्त प्रयोगशालाएं, अद्यतन पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से संसाधित विशाल केंद्रीय पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालयों जैसी विशेषताओं वाला ये कॉलेज जितना ऐतिहासिक महत्व रखता है, उतना ही वर्तमान के विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। आगरा कॉलेज में अध्ययन अध्यापन अपने में गौरव की बात है। आगरा महाविद्यालय एक ऐसा पुरातन संस्थान है
जहां छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के पीछे सिर्फ यही दृष्टिकोण रहता है कि इस कॉलेज से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत, वाणिज्य, विधि, इंजीनियरिंग या अन्य किसी भी विषय में शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाला शख्स सम्मान पूर्वक अपनी आजीविका कमा सके और अपने देश और समाज की उन्नति में योगदान दे सके।